प्रिय विद्यार्थियों, आज स्नातक अंतिम वर्ष कला की कक्षा में हम प्रमुख राजनीतिक विचारक प्लेटो को आगे आरंभ करते हैं। मैं रिपब्लिक में वर्णित सिद्धांतों का उल्लेख कर रहा था। कल मैंने शिक्षा योजना करवाई, आज न्याय के सिद्धांत को संक्षेप में लेंगे। प्लेटो न्याय को परिभाषित करते हुए उसे मनुष्य की आत्मा से जुड़ा पक्ष मानते हैं। यूनानी विचारधाराओं का सहारा लेते हुए प्लेटो ने माना कि मनुष्य की आत्मा में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये गुण हैं विवेक, साहस और इंद्रिय तृष्णा। हम जब स्नातक कक्षा के छात्र थे तो इस इंद्रिय तृष्णा को भूख के रूप में भी बताया जाता था। तो ये सरल शब्दों में इसको हम भूख भी कह सकते हैं। इंग्लिश शब्द एपिटाइट है और प्लेटो की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व होते हैं, लेकिन किसी न किसी एक गुण की प्रधानता होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में या तो विवेक की प्रधानता होगी, या साहस की प्रधानता होगी, या इंद्रिय तृष्णा की प्रधानता होगी। तो जिसमें विवेक की प्रधानता है वो शासन का कार्य करे, जिसमें साहस की प्रधानता है वो सैनिक का कार्य करे, और जिसमें इंद्रिय तृष्णा अथवा भूख की प्रधानता है वो उत्पादक वर्ग के रूप में कार्य करे। तो आत्मा की गुणों की प्रधानता के आधार पर ये जो तीन वर्गों की रचना की गई है, इसी पर प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है। प्लेटो कहते हैं कि अपनी आत्मा के प्रधान गुण के वर्ग में कार्य करना, इन तीन गुणों की प्रधानता के आधार पर प्लेटो तीन वर्गों का निर्माण भी करते हैं। विवेक पर आधारित शासक वर्ग, साहस पर आधारित सैनिक वर्ग और इंद्रिय तृष्णा पर आधारित उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो के अनुसार अपनी आत्मा के प्रधान गुण के वर्ग में कार्य करना न्याय है। दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, ऐसा यही न्याय है। सरल शब्दों में प्लेटो जिस आत्मा के गुण को परिभाषित कर रहे हैं, हम उसे व्यक्ति की रुचि भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपनी रुचि के वर्ग में काम करना चाहिए और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही विस्तार में व्याख्या तो नहीं करूंगा, लेकिन प्लेटो ने ये जो न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो शासन कार्य उन्होंने विवेक से जुड़ा हुआ पक्ष माना, और दूसरे वर्गों की आपादापी की स्थिति थी। हर एक वर्ग शासन सत्ता पर नियंत्रण चाहता था और इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती, और यही प्लेटो यही सुकरात को सजा देने का कारण बना। तो प्लेटो का जो निष्कर्ष था कि दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप, दूसरे वर्ग के कार्यों में रुचि अव्यवस्था का कारण है, अन्याय का कारण है,
और प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस कारण की आज भी हम 2300 वर्ष पश्चात भी कुछ तथ्य वर्तमान राजनीतिक पक्ष में भी देख सकते हैं, हम इसकी सत्यता से इनकार नहीं कर सकते। तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत था। मैंने न्याय सिद्धांत को बहुत ही संक्षिप्त में प्रस्तुत किया है। मैं अब प्लेटो के साम्यवाद पर आना चाहता हूँ। प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें भी प्लेटो की मान्यता है कि संपत्ति का आकर्षण और परिवार का आकर्षण अच्छे शासन के मार्ग में बाधा है। तो यहां पर प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए, जिसमें शासक और सैनिक वर्ग हैं, उनके लिए संपत्ति विवाह परिवार का निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसे अभिभावक वर्ग के लोग अपना कह सके। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर निवास करना होगा, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करना होगा, और वे इस वर्ग के स्त्री पुरुष आपस में संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें राज्य की संतानें मानी जाएंगी। ये प्लेटो की साम्यवादी योजना है। यद्यपि अरस्तु इसका मजाक उड़ाते हैं और वे कहते हैं कि मैं प्लेटोवादी समाज में पुत्र होने की अपेक्षा दूर का रिश्तेदार होना अधिक पसंद करूंगा। तो ये प्लेटो ने भी रिपब्लिक में प्रस्तुत इस सिद्धांत को, रिपब्लिक उनके युवा काल की रचना थी और प्लेटो ने अपने आगामी पुस्तकों में से छोड़ दिया, लेकिन ये प्लेटो का एक मौलिक सिद्धांत है और इसमें चाहे जो निदान प्रस्तुत किया वो काल्पनिक है, संपत्ति परिवार संतान संस्थाओं पर जो चोट की है ये उन्हें काल्पनिकता की श्रेणी में ले जाती है, फिर भी हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि प्लेटो ने जो समस्या को पकड़ा वो आज भी एक शाश्वत सत्य है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि संतान परिवार का आकर्षण भ्रष्टाचार का कारण होता है और अच्छे शासन के मार्ग में बाधा होता है। अब मैं दार्शनिक शासक पर आना चाहता हूं। दार्शनिक शासक सर्वाधिक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति होगा, क्योंकि प्लेटो पर सुकरात की घटना का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान को शासन सत्ता के शिखर पर प्रतिष्ठित किया और शिक्षा योजना के माध्यम से इसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। यद्यपि उन्हें कोई ऐसा छात्र नहीं मिला जो शिक्षा ग्रहण करके दार्शनिक शासक बन सके, लेकिन एक पहले शासक डियोन के शासक डियोनोसियस ने शिक्षा ग्रहण करनी आरंभ की, लेकिन उन्होंने भी बीच में छोड़ दिया। लेकिन फिर भी चाहे हम पूर्णतया दार्शनिक शासक को नहीं पाते हो, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन में विवेक की आवश्यकता होती है और शासन के निर्णयों में जितनी विवेक की अधिकता होगी उतना ही श्रेष्ठ होगा। आगामी
आदर्श राज्य हैं। यदि प्लेटो के सभी सिद्धांतों को आपस में मिलाया जाए जो कि रिपब्लिक में वर्णित हैं, तो वे दार्शनिक शासक वे आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं। एक बार पुनः आदर्श राज्य न्याय पर आधारित होगा। आदर्श राज्य में तीन वर्ग होंगे, विवेक पर आधारित शासक वर्ग, साहस पर आधारित सैनिक वर्ग और इंद्रिय तृष्णा पर आधारित उत्पादक वर्ग। जो शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवादी योजना होगी, अर्थात संपत्ति और परिवार का साम्यवाद निषेध होगा और दार्शनिक व्यक्ति सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति शासक होगा। इसमें स्त्री पुरुष समान होंगे और आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होगी। ये प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित प्रमुख सिद्धांत हैं। धन्यवाद।